यहाँ सामने पहाड़ है, उसके बाद चश्मा है, फिर एक आबशार है। सीढ़ियाँ बना दी हैं ताकि आवाम ऊपर जाए और गिरे। बहुत बुरा बंदा गिरता है इसके ऊपर, उस ग्लेशियर के ऊपर। ये भेड़ें चेक करें आप कहाँ तक गई हुई हैं। आगे का जो मौसम है ना वो हो गया ज़रा ज़ालमाना। ये देख रहे हैं आप, हाय हाय हाय, वो आपको मिलती है टाइगर पीक, यही पीछे से नज़र आ रही होती है। और ये सारी लुलूसर लेक, क्या बात है यार। अब वहाँ पे धूप है तो कितना एक ग्लो कर रहा है टाइगर पीक। दस्ताने वगैरह उतारे थे लेकिन क्या फ्रीजिंग हवा चल रही है, ओए होए। अब हम अपने ग्लव्स जल्दी से पहन रहे हैं किससे पहले। ओ भाई लेवल, क्या व्यू है यार। वैसे चलो जी टूर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये जो आप रोड्स देख रहे हैं ये इस्लामाबाद के रोड्स हैं। मैं अपनी बाइक लेके अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा इस्लामाबाद आया हूँ और बाय रोड आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट में मैं लाहौर से क्यों नहीं दिखा सका और क्या वजूहत थी मैं यहाँ पे आया हूँ और अभी आगे कहाँ पे जा रहे हैं, ये सब आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करते हैं। लेकिन अभी हमें पहुँचना है जी एबटाबाद। एबटाबाद तकरीबन 2.25 घंटे का सफ़र है। अभी हम इस्लामाबाद के अंदर हैं और रावलपिंडी के थ्रू हम इसके अंदर एंटर हुए हैं। अब हम थोड़ा सा मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी कुछ यूँ है कि हम 2-3 दोस्तों ने जाना था जी नरान वाली साइड पे, लेकिन जैसे ही कोई प्रोग्राम बनता था, जैसे ही कोई चीज़ होती थी तो साथ ही कोई ना कोई बैक ऑफ हो जाता था। तो अभी तकरीबन 5 लोगों के साथ मेरा टूर प्लान था और एक भाई हैं अपना सेपरेट जा रहे थे, वो बाय रोड थे। और हम लोगों का थोड़ा सा इस तरह से था कि हम जाएंगे जी, बाइक्स रखेंगे अपनी बस के अंदर, फिर हम जाएंगे आगे। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही हमने ईद के, आज ईद का तीसरा दिन है, और जैसे ही हमने जाके बसों के अंदर बाइक्स रखने के लिए चेकिंग स्टार्ट की तो हमें पता चला जी कि सीटें तो सारी फुल हैं और कुछ भी नहीं हो सकता। जो बंदा मेरे साथ था यार, अब इस्लामाबाद के अंदर भी इस तरह के डंगर लोग हैं। बड़ा पढ़ा लिखा मैं इसे शहर समझता था, लेकिन जो मेरे साथ एक बंदा रह गया था वो भी कहता यार मैं बाय रोड जाने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, इस तरह इस तरह। खैर मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा यार एक बंदा बचा था वो भी, और दोस्त मेरे जितने भी हैं वो तो वैसे ही भागते हैं, बुजदिल कह सकते हैं या मतलब डरपोक कह सकते हैं, कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। तो इस तरह का सिनेरियो था। तो खैर पहले तो मेरा माइंड बना के चलें घर चलते हैं, फिर कभी बना लेंगे। लेकिन एक बंदा जो कि सिर्फ मेरे लिए ऑलरेडी आ चुका था इस्लामाबाद कि मैं यहाँ से बस के थ्रू आऊँगा और वो आगे से हम उसके साथ आगे जाएंगे जी नरान वाली साइड पे, तो वो ऑलरेडी आ चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि उसका क्या कसूर है जब उसके साथ मैंने कमिटमेंट कर ली है। खैर इन शॉर्ट मैं फिर वहाँ से फ़ौरन निकला आज रात तकरीबन 12-1 बजे और ऑल द वे इस्लामाबाद पहुँचा। और वो भाई जो यहाँ पे इस्लामाबाद थे वो आगे एबटाबाद इस टाइम पहुँच चुके हैं और मेरा वेट कर रहे हैं। हम पहुंच रहे हैं जी एबटाबाद। अभी थोड़ा सा आपको स्टोरी का स्टार्ट बताने का मकसद ये था कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता चल जाए, थोड़ा सा आपको पता चल जाए मैं कहाँ जा रहा हूँ। और हम जा रहे हैं जी आगे स्कर्दू वाली साइड पे, जहाँ तक जा सके जो जो किया इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सब शेयर करेंगे। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है अकेले इस तरह से बाय रोड नॉर्थ वाली साइड पे, तो आई हैव नो आइडिया कि आप लोगों को मैं किस तरह से दिखा पाऊँगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी जितना मैं दिखा सकता हूँ मैं दिखाऊँ। रात को मैंने सोचा था मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन उस टाइम एक तो अंधेरा इतना था और दूसरा सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी हुई थी कि मैं उसको ना तो रिकॉर्ड कर सका। अब जैसे ही थोड़ा थोड़ा सूरज निकला है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम थोड़ा सा बाइक से रिलेटेड
और अपनी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आपसे शेयर कर रहे होते हैं। अभी बाइक के ऊपर भी मैंने काफ़ी चीज़ें वगैरह लगाई हैं, अभी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं रुकेंगे तो आपके साथ शेयर करते हैं, या मैं जब अहमदाबाद जा कर रुकता हूँ तो तब मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। यहाँ पे आ गया जी सिग्नल, ये पाकिस्तान गेट है। इस्लामाबाद की एक बात है, इसके अंदर सफाई और जो ग्रीनरी है ना, पहले तो मैं हमेशा यहाँ पे गाड़ी पे ही आया हूँ और बाइक पे मैंने कभी भी इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं किया उस तरह से। हाँ, एक चीज़ मैंने ज़रूर ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ के ना लोग ड्राइव कोई खास नहीं करते, अंधों की तरह करते हैं, कोई पता नहीं है कि कहाँ चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, तो थोड़ा सा ना ये चीज़ मुझे फील हुई है। लेकिन ये सब चीज़ें एक साइड पर रखते हुए, इसकी ब्यूटी, इसकी जो चीज़ें हैं ना, वो कमाल ही हैं। लें जी इस्लामाबाद के रोड्स, इस्लामाबाद की एक नई सुबह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए सब नया है यार, आप लोगों ने सब देखा होगा, लेकिन मेरे लिए बाइक के ऊपर सब नया है, एक अच्छी वाइब है। अच्छा, ये जो रोड है ये बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है। आई हैव नो आइडिया कि यहाँ पे आप में से कोई पहले आया है या नहीं, लेकिन ये बहुत मज़े का रोड है। पहले जो एक चीज़ मिलती थी, मतलब आपको ऑल द वे मरीज वाली साइड से जाना पड़ता था, या एक शॉर्टकट इन्होंने बनाया है और इसको हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे खैर गाड़ी पे भी कभी नहीं आया, क्योंकि ये मुझे जो लग रहा है ये कोई कुछ दिन पहले ही ये कंस्ट्रक्ट हुआ है और ये ओपन हुआ है। अब इसका एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है। असल में मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद, अभी मैं इस्लामाबाद के अंदर से निकल रहा हूँ, तो इस तरह के कुछ रोड्स हैं। आ चुका है जी चौक टैक्सला, और ये टैक्सला रोड है। यहाँ से हम जाएंगे अंदर तो आगे हमें अहमदाबाद तकरीबन कोई 90 किलोमीटर के बाद मिलेगा, सॉरी 74 किलोमीटर के बाद मिलेगा, और तकरीबन डेढ़ घंटे का, एक घंटा और 40 मिनट आ रहे हैं। ओके जी, तो हम तकरीबन नारान से कोई एक घंटा दूर हैं और कोई 50-55 किलोमीटर दूर हैं। मैंने इब्राहिम भाई को ले लिया था, ये आगे आगे थे जी बालाकोट, और वहाँ से मैंने इनको लिया और फिर हम आगे चलते आए। रिकॉर्ड नहीं मैं कर सका, यहाँ पे आके हमें थोड़ा सा मौका मिला, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा है, ट्रैफिक ईद के कह लें कि तीसरे दिन ही ट्रैफिक जैम शुरू हो चुका है, हर बंदा छुट्टियों का फ़ायदा उठा रहा है और यहाँ पे आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ से आस्ता आस्ता ना वो एरिया शुरू हो जाता है जहाँ पे डैम से रिलेटेड सारा काम शाम हो रहा है। जो दरियाए कन्हार है ये हमारे साथ साथ है, और एक अच्छा पानी इसके अंदर आ चुका है, काफ़ी शोर जो कि इसकी एक नेचुरल आवाज़ है वो आपको फील होना शुरू हो गई है, क्योंकि ग्लेशियर्स अब पिघल रहे हैं और जो दरिया कन्हार है वो अपना जो असल उसका शोर है उस पर वापस आ रहा है। ये सारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना मना है जी, ये सारे इनके वर्कर्स का एरिया, और काफ़ी एक बड़ी बिल्डिंग है ये जिसके अंदर सारे वर्कर्स, मेरे ख्याल चाइनीज़ इसके ऊपर लिखी हुई है सारी, और चाइनीज़ वर्कर सारे यहाँ पे, जो भी इनके इंजीनियर्स जो भी सारे काम शाम कर रहे हैं उनको यहाँ पे बड़ा VIP सा बना के दिया गया।
यहाँ से जी छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता निकाला गया, बड़ी गाड़ियाँ उस दूसरे रूट से ही जाएंगी और ये एक रास्ता छोटी गाड़ियों के लिए है। दरिया फुल शोर और वलवले के साथ लगा हुआ अपने बहने, लेकिन धूप यहाँ पे काफ़ी है, टेम्परेचर ठंडा नहीं है। इवन कि मेरी ये जो जैकेट है इसके अंदर मुझे पसीना आया हुआ है, तो वेंट्स वगैरह के थ्रू हवा थोड़ी बहुत ठंडी है, लेकिन फिर भी उस तरह से टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि नारान अभी तकरीबन कोई 40-50 किलोमीटर दूर तो है। ये हैं जी हमारे सामने इब्राहिम भाई और साथ हमारे एक और दोस्त हैं, इनकी जो बाइक है वो काफ़ी पावरफुल है। अभी व्यू आना शुरू हो गए हैं, दरिया फुल आबोताब के साथ बह रहा है, एक तो ज्ञानी आई हुई है पानी, उसका मतलब है ग्लेशियर्स में से काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी ये पानी इतना ठंडा है कि आप इसके अंदर हाथ भी रखेंगे तो वो सुन्न हो जाएगा, बहुत शदीद किस्म का ठंडा है ये पानी। अच्छा जी, जैसे जैसे नारान करीब आ रहा है ना, वो वाला पहाड़ देख रहे हैं, उसकी बैक साइड चेक करें ज़रा, क्या मौसम है। उस साइड से अभी पहाड़ छुपे हैं, लेकिन वो पहाड़ भी नज़र आते हैं जहाँ पे अच्छी खासी बर्फ पड़ चुकी है। मेरे ना GoPro की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैंने साइड पे लगा के तो इसकी ना बैटरी चार्ज की है, सिर्फ ये व्यू आपको दिखाने के लिए। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ना कंट्रास्ट मिलता है, यहाँ पे अच्छी खासी धूप है और यहाँ पे अगर आप देखते हैं ऊपर तो आपको काफ़ी एक मिलता है खूबसूरत सा माउंटेन। चेक करें, नीचे धूप है, गर्मी है, लेकिन जो आपको व्यू नज़र आ रहा है ना वो माइनस मुझे 20 का नज़र आ रहा है ऊपर, क्या बात है यार, माशाल्लाह। ये अगेन ब्रिज आ गया जी, ये मेरा ख्याल है हम नारान से कोई 35 किलोमीटर दूर हैं अभी, और कमोबेश एक घंटा अभी भी हमें लग जाएगा। बाइकर्स हैं, अब एक ट्रेंड चल पड़ा है कि पहले लोग वैसे निकलते होते थे, अब बाइक पे निकलते हैं। बाइक पे आपको इंडिपेंडेंसी मिलती है ईज़ीली, आप जैसे मर्ज़ी जाएँ, जो मर्ज़ी करें, जब निकलें, जब मर्ज़ी स्टे करें, आपको कोई बंदिश नहीं होती। फिर गाड़ियों की पार्किंग का बड़ा मसला होता है, बाइक की पार्किंग इजीली आप कहीं भी कर सकते हैं। नारान तक आते आते एंड पे जब नारान आने वाला होता है ना, तो ये जो ख्वारी है ना, ये कभी भी ख़त्म नहीं हुई, पता नहीं कब ये ख़त्म होनी है और कब ये रोड वगैरह बनने हैं, ये हमेशा से ऐसे रही है। अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो बस फिर अल्लाह सुपुर्द है, लेकिन जब आप इस तरफ देखते हैं ना, तो आपकी आधी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं। ग्रीनरी चेक करें आप बस।